हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे। देखिए फ्रेंड्स, पिटूनिया कितना ब्लूम कर रहा है। पूरी जो है वो डलिया उसने कवर कर ली है और कई तरीके का इसमें खिला हुआ है। ये देखिए, पिटूनिया की बहार है इस समय और गार्डन में खूब भरा पड़ा है और भी फूल खिल रहे हैं। फ्रेंड्स, कुछ मैंने अपने पॉट जो है वो आगे वाली छत पे पहुंचा दिए हैं, जगह बहुत कम हो रही थी। तो इस समय बहुत फूल खिले हुए हैं गार्डन में और विंटर का सीजन वैसे तो अब जा रहा है, तो हमें गर्मियों की तैयारियां भी करनी है। गर्मियों का जो प्लांट होता है पर्सलिन और मॉस रोज, वो हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, तो उसी के लिए आज मैंने वीडियो बनाने का सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोग को भी याद दिला दूं कि हमें गर्मियों की तैयारी करनी है। तो देखिए, मेरे कुछ जो हैं वो पॉट्स में सॉरी, इस तरीके से पर्सलिन के प्लांट निकल आए थे, तो मैं इन्हीं को इस वाले पॉट में ग्रो कर रही हूँ अभी, क्योंकि विंटर प्लांट से ही ये पॉट जो हैं वो सारे घिरे हुए हैं। तो एक ये पॉट था, इसमें डहलिया का प्लांट था, उसके बल्ब इसमें अभी लगे हुए हैं, तो लेकिन मैंने सोचा चलो मैं इसी में ही लगा लेती हूँ। तो ये मैं पर्सलिन के प्लांट जो हैं वो छोटे छोटे निकल आए थे, इनको इसमें ग्रो कर रही हूँ। तो आपके भी अगर गमलों में निकल आए हैं तो आप ग्रो कर सकते हैं उनको निकाल के इस समय, और फिर इसके बाद में इसको एक दो दिन जो है वो छाया में रखिए और उसके बाद में आप इसको फुल सन में रखिए। तो मेरी मिट्टी ये अच्छी बनी हुई है, बेलड्रेन मिट्टी है और उपजाऊ भी है, तो मैं इसी में लगा दे रही हूँ। वैसे इसको, पर्सलिन को, मॉस रोज को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक बार अच्छे से गोबर की खाद दे के मिट्टी बना लीजिए और बस उसमें ग्रो कर दीजिए इसको। फिर ये पूरे सीजन भर चलते रहते हैं, बीच में अगर आपका मन है तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ये देखिए, ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं, और प्लांट्स नहीं ही नहीं, इसकी आप कटिंग भी लगा सकते हैं, छोटी छोटी कटिंग। ये देखिए, मेरा ये पॉट है, इसमें पिछले साल की ये पर्सलिन थी, अभी मैंने इसको थोड़ा प्रून किया है। ये देखिए, इसमें डंडियाँ वगैरह सूखी हुई थी और इसी में से मैंने ये कटिंग ली है। तो इस कटिंग को हम इस तरीके से किसी चीज़ की मदद से होल बना सकते हैं, मैं तो हाथ से ही बना रही हूँ इस समय। तो इसको इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा मिट्टी में दबा दीजिए, और दो दो इंच की कटिंग भी अगर आप लेते हैं तो वो भी अच्छे से ग्रो हो जाएगी और बहुत जल्दी आपको फ्लावरिंग देने लगेगी। तो ये देखिए, ये सब कटिंग्स ही हैं, तो इस तरीके से आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसको लगा दीजिए, बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है ये, और बस खूब अच्छे से आपको फ्लावरिंग करेंगी ये तो कुछ ही दिनों में। और इसमें जो है वो आप पिंचिंग करते रहिए, तो पिंचिंग करने से ये है, आपके जो प्लांट है उसमें खूब सारी ब्रांचेस निकलेंगी और आपको फ्लावरिंग भी बहुत मिलेगी। तो पर्सलिन बहुत सारे रंगों में आता है और मॉस रोज भी, ये देखिए ये भी छोटा सा प्लांट है, तो बहुत सारे रंगों में आता है और आपके गार्डन में ये पूरी गर्मियों भर बने रहते हैं। और अगर कुछ पेरिनियल होते हैं और कुछ जो है वो एनुअल होते हैं, तो पेरिनियल वाले तो चलते रहते हैं, जैसे पर्सलिन जो है वो मेरा बना रहा, और कुछ मॉस रोज की भी जो है वो पेरिनियल ही होते हैं, और जो एनुअल होते हैं वो भी अगर आपके गार्डन में एक बार लगे हुए हैं तो वो अगले साल अपने आप ही उसकी पौध जो है वो निकल आती है, बीज गिर जाते हैं हमारे उसमें पॉट में और उसकी पौध निकल आती है। तो ये देखिए, ये मेरे लग गए हैं, और भी मुझे किसी गमले में अगर दिखेंगे इसके प्लांट तो मैं उनको इसी में ये भी ग्रो कर दूंगी, फिर इनकी कटिंग से और तैयार करूंगी। और देखिए, कुछ मैंने मॉस रोज के भी लगाए हैं, ये भी मेरे प्लांट निकल आए थे गमलों में, तो मैंने अभी छोटे से टब में ही लगा दिए हैं, फिर मैं इनकी कटिंग ले लेके और पॉट्स में लगाऊंगी। अभी कुछ पॉट खाली भी हो जाएंगे कुछ दिनों में।
और ले आएंगे बाजार से। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है वो आप इसकी कटिंग लगाइए, अगर आपके प्लांट निकल आए हैं तो उनको भी रिपोर्ट कर लीजिए। और अगर आपके पास ना प्लांट है और ना ही कटिंग है तो फिर और ना पिछले साल के सीड्स हैं तो आप बाज़ार से ले आइए या नर्सरी से खरीद लीजिए, क्योंकि ये समय जो है वो सही है इस समय लगाने का, तो आपको थोड़े दिनों बाद फ्लावरिंग मिलने लगेगी और आपका गार्डन जो है वो फूलों से भरा भरा रहेगा। तो फ्रेंड्स आज की ये छोटी सी वीडियो मैंने इसी वजह से बनाई थी कि जो हमारे जिन लोगों ने फ्रेंड्स ने इसको नहीं लगाया है वो लगा लीजिए, और कुछ लोग जो नए हैं उनको पता नहीं है तो फिर वो उनके लिए भी ये वीडियो है कि आप इस तरीके से पर्सलिन और मॉस रोज अभी लगा लीजिए, बाकी प्लांट्स भी की भी तैयारी कर लीजिए, सीड अगर ग्रो करना चाहते हैं तो ग्रो कर लीजिए। मैंने भी कुछ फ्लावरिंग प्लांट के सीड्स ग्रो किए हैं, देखिए अभी ग्रो होते हैं नहीं होते हैं, थोड़े बचा के रख लिए, अगर अभी नहीं होंगे तो फिर मैं उनको दोबारा ग्रो करूँगी, और कुछ नर्सरी से भी लाऊंगी। तो गर्मियों की तैयारी फ्रेंड्स शुरू कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो उसको लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप लोगों तक पहुंच जाए, तुरंत पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।